अगर आप दोस्तों गांव में रहकर बिजनेस करना चाहते हैं, कहीं आना जाना नहीं चाहते, अपना घर बार नहीं छोड़ना चाहते और आपको अपने बिजनेस के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट भी चाहिए, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। इसमें आपको मैं 10 अमेजिंग बिजनेस आइडियाज देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन चौबे, स्वागत करता हूं आप सबका कानपा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट एग्रो बिजनेस आइडिया है सॉयल टेस्टिंग लेबोरेटरी। आप दोस्तों अपने गांव में सॉयल टेस्टिंग लेबोरेटरी खोल सकते हैं। इसमें इसकी काफी ज्यादा डिमांड आने वाले समय में होगी और इसके लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव भी मिलेगा और गवर्नमेंट आपको लोन भी प्रोवाइड करा देगी। आपको यहां पर इजीली ट्रेनिंग लेनी होगी किसी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट से और सॉयल टेस्टिंग सीखना होगा। इसमें आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और आप आसानी से ये कर भी लेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट एग्रो बिजनेस आइडिया है दोस्तों मेडिसिनल प्लांट्स की खेती करना। अगर आप मेडिसिनल प्लांट्स की खेती करना सीख लेते हैं तो इसके लिए गवर्नमेंट ने काफी सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रखी है। खुद गवर्नमेंट 75% सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है मेडिसिनल प्लांट को उगाने के लिए और 4,000 करोड़ का पैकेज भी तैयार किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप मेडिसिनल प्लांट्स की खेती करना सीख लीजिए अगर आप इम्पॉर्टेंट काम करना चाहते हैं और गांव में ही रहकर आप अपना सारा प्रोडक्ट बेच सकते हैं, क्योंकि इसका नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जगह से ही काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। दोस्तों कुछ सब्जियां काफी स्पेशल होती हैं जिसको सिर्फ एक्सपोर्ट पर्पस के लिए उगाया जाता है और यहां पर इन सब्जियों का डोमेस्टिक डिमांड भी है और ग्लोबल डिमांड भी है। इसमें स्पिनेच, पोटैटो, ओनियन, टमाटो, कॉलीफ्लावर, कैपेज, बीन, एग प्लांट्स, इस तरीके की चीजें शामिल है। अगर आप ऑर्गेनिक वेजिटेबल फार्मिंग करते हैं तो इसकी और ज्यादा डिमांड है, तो इसे करके भी आप गवर्नमेंट का सपोर्ट ले सकते हैं और अपनी इनकम को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। फोर्थ एग्रो बिजनेस आइडिया है दोस्तों एग्रीकल्चर एडवाइजरी सर्विसेज। दोस्तों अगर आपको एग्रीकल्चर के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है तो भले आज की डेट में फार्म्स एक्ट स्क्रैप हो गए हों, लेकिन कई सारे फार्मर्स जो हैं वो ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, तो ऑनलाइन बिजनेस में एडवाइजरी सर्विसेज की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं और एग्रीकल्चर एडवाइजरी सर्विसेज को देख सकते हैं, उसके लिए आप जा सकते हैं। गवर्नमेंट भी आपको यहां पर इसके लिए ट्रेंड करेगी और काफी ज्यादा सपोर्ट करेगी। अगर दोस्तों आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो आप बिजनेस ऑफ फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन को भी कर सकते हैं। यहां पर इसके लिए आपको बीज बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए और वर्मी कंपोस्ट भी आप बेच सकते हैं और दूसरे फर्टिलाइजर भी बेच सकते हैं। इसकी भी डिमांड आने वाले समय में बढ़ने ही वाली है और इसके लिए आप थोड़ा बहुत पैसा खुद से लगाएंगे और थोड़ा बहुत जो गवर्नमेंट है वो आपको बैंक के थ्रू लोन दिला देगी, तो यहां पर इसको भी करने में काफी फायदा है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट बिजनेस आइडिया है दोस्तों प्रोडक्शन ऑफ एनिमल फीड एंड फॉडर। कई सारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जैसे चिकन, पिग्स, काउ, बिफेलो, गोट्स, इनके लिए चारा चाहिए होता है। आपको क्या करना है, गांव से रॉ मटेरियल उठाना है, उसकी पैकिंग करनी है और बेचना है। यहां पर दोस्तों देखिए पंजाब हरियाणा जैसे इलाकों में काफी ज्यादा स्टबल बर्निंग हो रही है, तो आप इस स्टबल को कटवा सकते हैं और काफी जगह इसको चारा बना करके बेच भी सकते हैं, तो इसमें काफी ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। दोस्तों सेवेंथ जो बिजनेस आइडिया है वो काफी अमेजिंग है। आप सैनिटरी नैपकिन्स बना सकते हैं बनाना फाइबर से। इसके लिए रिसेंटली 2 IITians ने ये करके दिखाया है और उन्होंने एक ऐसी मशीन बना ली है जिससे आप आसानी से बनाना फाइबर का इस्तेमाल करके सैनिटरी नैपकिन्स बना सकते हैं। इंडिया में 55 करोड़ से ज़्यादा औरतें हैं और उनको सैनिटरी पैड्स की जरूरत पड़ती ही है, तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। रेंटिंग मॉडर्न इक्विपमेंट्स, ये भी एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करने के लिए है तो गवर्नमेंट काफी सारे इक्विपमेंट्स पर सब्सिडी प्रोवाइड कर रही हैं। आप उन्हें खरीद सकते हैं और उन्हें किराए पर चला सकते हैं, इससे भी आपकी आमदनी बढ़ सकती है। इसमें आप मोस्टली देखिए पैडी ट्रांसप्लांटर, इससे जो धान की खेती होती है वो होता है, उसके जो पौधे होते हैं वो लगाए जाते हैं। इसके अलावा वीट एंड पैडी कटर, ये भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी मशीनें हैं जो अभी भी ग्राउंड लेवल पर मैनुअली काम हो रहा है किसानों के द्वारा, हाथों से इस्तेमाल करके खेती हो रही है, तो उसके काम को ये मशीनें आसानी से रिप्लेस कर सकती हैं, काफी ज्यादा किसानों की बचत करा सकती हैं। तो इन मशीनों को खरीद के आप रेंट पर दे सकते हैं और खूब ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्लांटिंग असिस्टेंट में भी काफी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, गार्डनिंग की केयर कैसे की जाए, रूफटॉप गार्डनिंग होती है, बालकनी गार्डनिंग होती है, इसके अलावा डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, इनके बारे में शहरों से भी डिमांड आएगी। इनको कैसे यूज करना है, क्या करना है, अगर इसको आप सीख लेते हैं ट्रेनिंग लेकर के, तो आप काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, इसमें भी काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। दोस्तों 10th इंपॉर्टेंट बिजनेस आइडिया है पीएल फार्मिंग। इसकी दोस्तों काफी ज्यादा ग्लोबल डिमांड है। मोतियों की खेती में काफी ज्यादा पैसा है। मोतियों की खेती पर स्पेशल फोकस करने की जरूरत है। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर कई लोग लाखों कमा रहे हैं, आप भी उनमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पिगरी फिश और पोल्ट्री में भी काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। इसमें पैसा कम लगना है, लोन भी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, और आपको क्या करना है, सिर्फ आपको थोड़े बहुत अपनी तरफ से पैसे लगाकर, एफर्ट लगा करके इस काम को खोल सकते हैं। रिसेंटली यूएई ने पोल्ट्री से अपना इंपोर्ट बैन हटा दिया है, यानी आने वाले समय में पोल्ट्री जो है वो गल्फ कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट होने वाला है इंडिया से। तो आप अपने अंडे मुर्गियां ये सब एक्सपोर्ट करने के हिसाब से अपना इंपॉर्टेंट फार्म बना सकते हैं, और उसमें भी आप कई हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है और आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। अकाउंट डिटेल्स स्क्रीन पर दी हुई है। आपके द्वारा दिए गए पेमेंट से हम अपने कंटेंट को और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, आपके लिए और हेल्पफुल और नॉलेजेबल कॉन्टेंट बनाकर लेकर आएंगे।